अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो NZ के इलेक्ट्रिक, एक लोकल कंपनी है, उसके वोल्टेज और एम्पेयर प्रोटेक्टर के बारे में है कि उसकी सेटिंग जो है वो किस तरह की जा सकती है। आमतौर पे सभी वोल्टेज प्रोटेक्टर्स में 2 से 3 तरह की सेटिंग्स होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, कोई वैल्यू ऊपर होती है, कोई नीचे आती है, जिस वजह से हमें समझ नहीं आती कि इसकी सेटिंग किस तरह की जाए। तो ये ZNK का प्रोटेक्टर है, एक लोकल प्रोटेक्टर है, वोल्टेज प्रोटेक्टर और एम्पेयर प्रोटेक्टर, तो इसकी सेटिंग के बारे में है। अच्छा, अब इसकी सेटिंग आपको समझाने से पहले मैंने ये एक शीट बनाई हुई है। इसकी सेटिंग के 3 मेजर पोर्शन है, ठीक है जनाब, 3 मेजर पोर्शन है। एक है आवर वोल्टेज वाला पोर्शन कि आवर वोल्टेज की सारी सेटिंग किस तरह करनी है। एक है अंडर वोल्टेज की सेटिंग किस तरह करनी है, ठीक है जी। और एक है आवर करंट, यानी कि ज्यादा एम्पेयर्स जो जा रहे हैं उसकी सेटिंग के बारे में है कि उसे आप किस तरह सेट कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर पोर्शन है, आवर वोल्टेज वाला, अंडर वोल्टेज वाला और इसका जो है करंट की प्रोटेक्शन, यानी कि एम्पेयर की सेटिंग के बारे में ये मेजर, ये 3 पोर्शन है। अच्छा, अब अगर आप लोगों को इस वीडियो के दौरान प्रॉपर होप्स हो, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह सेटिंग करनी है, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई मिस्टेक होती है, कोई समझ नहीं आती, कंफ्यूजन होती है, तो ये जो ग्रीन कलर वाली सेटिंग है ना, ये बहुत इजी सेटिंग है, ठीक है। ये A1, A2, A6, A10 और A13, देन जो है वो ये लॉन्ग प्रेस 5 सेकंड टू सेव द सेटिंग्स। तो ये जो ग्रीन कलर वाली सेटिंग्स है, आपने ये कम से कम ये वाली सेटिंग जो है बिल्कुल सीधी सीधी सेटिंग है, ये वाली कर लेनी है। बाकी सारी जो सेटिंग्स हुई हुई हैं वो डिफॉल्ट छोड़ देनी है, जो फैक्ट्री की तरफ से सेट होके आई हुई है। तो ये ग्रीन वाली आप कर लीजिएगा, बाकी ना भी करें तो काम चल जाएगा, लेकिन ग्रीन वाली की सेटिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो हम जो है वो एक एक करके ट्राई करते हैं समझने की। तो ये वोल्टेज प्रोटेक्टर है, मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ, ये इसका गाइडलाइन है, यूजर गाइड है। ये इसलिए शो कर रहे हैं कि आप लोग इसके ऊपर से भी देख सकते हैं अगर आपका यूजर गाइड गुम हो गई है। तो ये सारी है, अभी जो है इसमें तकरीबन 14 से 15 सेटिंग्स हैं मुख्तलिफ तरह की। तो हम हर सेटिंग को बिल्कुल क्विकली जल्दी जल्दी वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो सेटिंग क्या है और उसकी किस तरह उसकी सेटिंग करनी है, ठीक है जनाब। तो हम चलते हैं अपने वोल्टेज प्रोटेक्टर की तरफ। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, जैसे कि मैं अभी इसे ऑन करता हूं, तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, इसके इसके ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो वोल्टेज वाला है और नीचे वाला एम्पेयर वाला। अब इसमें ये जो काउंट डाउन शुरू हो रहा है 8 9 7 4 5 3 2 1, ये सेटिंग नंबर 1 है, यानी कि सेटिंग नंबर पावर ऑन डिले, कि जैसे ही आपका प्रोटेक्टर ऑन हो, लाइट पीछे से आए, तो आपका प्रोटेक्टर जो है वो कितनी देर बाद जो है वो लाइट ऑन करे। आमतौर पर ये सेटिंग इसलिए जरूरी होती है कि अक्सर लाइट आती है और 5 सेकंड के बाद फिर चले जाती है, फिर लाइट आती है 10 सेकंड के बाद फिर चले जाती है, यानी कि लाइट झटके मारती है। तो बेहतर है कि इसकी सेटिंग जो है वो आप अपने हिसाब से करें, 10 सेकंड कर लें, 15 सेकंड कर लें, 30 सेकंड की कर लें, ठीक है। तो ये इसका ऑन ऑफ का भी बटन है कि आप मैनुअली इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और ये सेट का बटन आप प्रेस करेंगे, A01 की सेटिंग सबसे पहले आई, जिसमें डिफॉल्ट सेटिंग 10 है, तो आप इसे 15 सेकंड भी कर सकते हैं, 20 सेकंड भी कर सकते हैं, 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, कि जैसे लाइट आए तो वो 1 मिनट वेट करे, या जितनी आप यहाँ पे सेटिंग करते हैं उतने सेकंड जो है वो वेट करे और फिर लाइट को ऑन करे। तो ये झटके जो बचते हैं लाइट के, उससे बचाने के लिए। अब सेटिंग नंबर 2 जो है वो है आवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, कि आपकी जो कितने वोल्ट ज्यादा हो जाए, नॉर्मल वोल्ट 220, 225, 230 तक नॉर्मल वोल्ट है, आपके वोल्ट कितने हो जाएं कि ये आगे लाइट देना बंद कर दे, ठीक है, आपकी पावर सप्लाई को ऑफ कर दे। आप इसमें अपने मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। वैसे जो मैंने भी अपने घर में सेटिंग की है वो तकरीबन 240 के करीब, 245 वोल्ट के करीब की है, कि अगर 245 हो जाए वोल्ट तो वो जो है लाइट जो है वो बंद कर दे, ठीक है जी। ये अवर वोल्टेज की सेटिंग है जो सेटिंग नंबर A2 में है। उसके बाद जो है वो
सेटिंग जो आएगी वो A3 की आएगी। मैं आपको A3 के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये A3 है, अच्छा A3 की सेटिंग है आवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन की सेटिंग की हुई है जी 245 वोल्ट, कि जैसे 245 वोल्ट अगर हो तो हमारी लाइट बंद कर दे, ये प्रोटेक्टर जो है आगे आउटपुट बंद कर दे। अच्छा उसके बाद तीसरे नंबर वाली सेटिंग वो है कि वो फिर कितने वोल्टेज कम हो कि वो दोबारा से काम शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेटिंग नंबर 2 जो है वो की हुई है 245 पे, अगर वोल्टेज हो जाए तो बंद कर दे और दोबारा वर्किंग जो शुरू करे वो करे 240 वोल्ट हो जाए तो फिर, या 235 वोल्ट हो जाए तो फिर वर्किंग शुरू करे। तो यहाँ पे ये सेटिंग नंबर 3 जो है वो इस बारे में है, सेटिंग नंबर 3। ठीक है जी। उसके बाद सेटिंग नंबर 4 जो है, सेटिंग नंबर 4 पे चलते हैं हम। सेटिंग नंबर 4, सेटिंग नंबर 4 है आवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम। इसका मतलब है कि जब आपकी ये जो वैल्यू आपने वैल्यू नंबर 3 में सेट की हुई है अगर वो उतने वोल्ट हो जाते हैं तो फिर ये प्रोटेक्टर जो है वो कितनी देर वेट करे। फॉर एग्जांपल आपने आवर वोल्टेज की सेटिंग की हुई है 245 और आप कहते हैं कि जब 240 वोल्टेज हो जाए तो दोबारा से ऑन हो जाए। अब वो 240 वोल्ट होने के बाद ये कितनी देर वेट करे और फिर उसके बाद उसे ऑन कर दे। आमतौर पर ये होता है कि वोल्टेज ऊपर नीचे कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं, लेकिन 240 वोल्ट हुए हैं तो वो 242, 47, 44, 45 ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो कितनी देर वेट करे कि वो आपकी लाइट जो है वो स्टेबल हो जाए, उसके बाद वो दोबारा से वर्किंग जो है वो नॉर्मल अपनी शुरू कर दे और लाइट आपको आपकी लाइट ऑन कर दे। तो इसमें भी जो है वो सेकेंड्स के हिसाब से आप सारी सेटिंग कर सकते हैं, कितने सेकंड करनी है या कितने मिनट करनी है सेटिंग। अब उसके बाद जो है वो सेटिंग नंबर जनाब 5 है, आवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। ये जो सेटिंग नंबर 5 है इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आपने आवर वोल्टेज की सेटिंग की हुई है 245, अब आपके वोल्टेज जो है वो 245 हुए तो वोल्टेज प्रोटेक्टर कितने सेकंड वेट करे, 1 सेकंड वेट करे, 2 सेकंड वेट करे। अगर 2 सेकंड तक वेट करता है और वोल्टेज फिर भी जो है वो 245 रहते हैं तो फिर ये आपकी लाइट को बंद करवा देगा। ठीक है, तो ये वाली सेटिंग आमतौर पे जो है वो 1 सेकंड ही करनी चाहिए, मैक्सिमम 2 सेकंड करनी चाहिए। ज्यादा टाइम करेंगे और बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाते हैं तो आपकी चीजों को नुकसान का खदशा है। उसके बाद सेटिंग नंबर जो है वो 6 पे आते हैं हम लोग। सेटिंग नंबर 6 अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है कि अगर वोल्टेज कम हो जाए, कितने कम हो तो 6 नंबर पे कितने वोल्टेज कम हो जाए कि प्रोटेक्टर जो है वो आपकी लाइट बंद करवा दे। आमतौर पे 170, 175, 180 तक जो है इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सेटिंग नंबर 7 में है। और इसके बाद सेटिंग नंबर 8 जो है वो सेम उसी तरह की सेटिंग है, वही कॉन्सेप्ट है जो आवर वोल्टेज में हमने पढ़ा, आवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू। अगर आपने अंडर वोल्टेज सेट किए जी 170 वोल्ट हो तो आपकी जो लाइट है वो बंद करवा दे। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो आपकी कितने वोल्टेज जो हैं वो 170 के बाद 100, फॉर एग्जांपल आप 180 वोल्टेज सेट कर देते कि 180 वोल्टेज हो जाए तो आपका जो है वो प्रोटेक्टर दोबारा से वर्किंग शुरू कर दे, तो ये वो वाली वैल्यू है। देन इसी तरह अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम और 100 उस ये जो यहाँ पे सेटिंग की हुई है ये कितनी देर नॉर्मल रहे, स्टे करे कि आपका वोल्टेज जो है वो प्रॉपर वर्किंग पे आ जाए। ये सेटिंग नंबर इसकी 8 थी, ये भी सेकंड्स में आएगा। देन इसी तरह सेकंड नंबर सेटिंग नंबर जो 9 है, A9 है अंडर वोल्टेज एक्शन टाइम, के सेटिंग नंबर जो है 9 पे आता हूं, ये भी उसी तरह की है कि अगर आप लोगों ने अंडर वोल्टेज की सेटिंग 170 वोल्ट की हुई है तो वोल्टेज पर और वो 170 वोल्ट फॉर एग्जांपल हो जाते हैं तो वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है वो कितनी देर वेट करे और फिर आपकी लाइट आगे से बंद करे। तो 1 सेकंड वेट करे, 2 सेकंड करे, 5 सेकंड करे,
कितनी सेकंड वेट करे कि अगर अंडर वोल्टेज होते हैं तो उसके बाद वो प्रोटेक्टर लाइट बंद कर दे आगे से। तो इसकी भी सेटिंग मैक्सिमम 2 सेकंड करें, नॉर्मली 1 सेकंड ही रहे, ताकि अगर वोल्टेज कम हुए हैं तो लाइट जो है 1 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। ये सेम वही सेटिंग्स है जैसे अवर वोल्टेज वाली सेटिंग्स है, अवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। इसमें ये है कि अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं तो कितनी देर वेट करे, इसमें वोल्टेज कम हो जाते हैं तो कितनी देर वेट करे कि आपकी सारी जो है वो इसे पावर ऑफ कर दे आपका। देन जनाब उसके बाद सेटिंग नंबर 10 पे देखते हैं क्या है। सेटिंग नंबर 10 है अवर करंट प्रोटेक्शन। आप मैक्सिमम कितने अम्पेयर का लोड आगे चलाना चाहते हैं, वैसे तो ये वोल्टेज जो है वो 63 अम्पेयर का है। मैं फॉर एग्जांपल सेटिंग कर लेता हूँ जी मैक्सिमम 20 अम्पेयर का लोड मैं आगे चलाऊंगा, अगर 20 अम्पेयर से ज्यादा का लोड हो तो ये प्रोटेक्टर जो है वो लाइट बंद कर दे। तो ये वाली सेटिंग उसके बारे में है, ठीक है जी। देन ये अवर करंट रिकवरी डिले टाइम, ये है कि अगर ये सेटिंग नंबर 11 है इसकी, ये सेटिंग नंबर 10 में आप एम्पेयर सेट करेंगे कि इतने एम्पेयर मैक्सिमम ये आउटपुट दे, और अगर उससे ज्यादा एम्पेयर का लोड आगे चल रहा है तो ये प्रोटेक्टर बंद करवा देगा, ठीक है जी। आमतौर पे ये शॉर्ट सर्किट से महफूज रखने के लिए भी ये चीज ये वाली सेटिंग इस्तेमाल होती है। देन सेटिंग नंबर 11 में जो है वो ये अवर टाइम अवर करंट रिकवरी डिले टाइम के कितनी देर वेट करे आपका प्रोटेक्टर, अगर अवर करंट हो जाता है ज्यादा लोड पड़ जाता है तो कितनी देर वेट करे और फिर लाइट बंद करे। तो इसमें भी सेटिंग आमतौर पर जो है वो 1 सेकंड के करीब रखें, 2 सेकंड कर लें। देन अवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, ये वाली सेटिंग में जो सेटिंग नंबर 12 है इसमें है कि 1 सेकंड वेट करे, 2 सेकंड वेट करे, अगर ज्यादा लोड पड़ गया तो वो आपका करंट जो है वो प्रोटेक्टर जो है उसकी उसे वो कर देगा, आपकी आउटपुट जो है वो बंद कर देगा। और अवर करंट रिकवरी डिले टाइम क्या है, इसमें भी वही है कि जी अगर अवर लोड हो जाता है तो उसके बाद जो है वो नॉर्मल अगर होता है दोबारा से नॉर्मल जो है वो करंट फ्लो करने के लिए आ जाता है तो फिर भी प्रोटेक्टर कितनी देर वेट करे कि वो जो है आपकी लाइट ऑन करे। फॉर एग्जांपल मैंने 20 एम्पीयर सेट किया हुआ कि 20 एम्पीयर से ज्यादा लोड ना चले, अब मेरा जो प्रोटेक्टर है उस पे लोड पड़ जाता है 25 एम्पीयर, ठीक है जी। तो 25 एम्पीयर के बाद जैसे ही 25 एम्पीयर होता है तो पहली तो बात है ये वोल्टेज प्रोटेक्टर उस आउटपुट बंद कर देगा, लाइट बंद कर देगा। अब उसके बाद मेरा जो प्रोटेक्टर है उस पे लोड दोबारा से 18 एम्पीयर 15 एम्पीयर आ जाता है, 20 से कम आ जाता है, तो फिर वो 20 पे कम होने के बाद कितनी देर वेट करे, 2 सेकंड वेट करे, 5 सेकंड वेट करे, और अगर वो लोड कम ही रहता है तो फिर वो लाइट ऑन करेगा। तो ये सेटिंग 12 नंबर सेटिंग उसके बारे में थी। अब एक 13 नंबर सेटिंग आ रही है जो कि है जनाब वोल्टेज कैलिब्रेशन की। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है थोड़ी सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेटिंग किस तरह कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूं जनाब 13 नंबर सेटिंग जो है ये दूसरी वाली में मैंने किया हुआ है। 13 नंबर सेटिंग में है कि अगर वोल्टेज का फर्क आ रहा है कि आपके एक्चुअल वोल्ट मीटर कोई वोल्ट दिखा रहा है और आपका प्रोटेक्टर कोई दिखा रहा है तो वो जो एरर आ रहा है उसे ठीक करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, बल्कि शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोटेक्टर पे देखें 230 वोल्ट आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखें प्रोटेक्टर शो कर रहा है कि हमारे वोल्ट 230 है, जबकि जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है मेरे उस पे वोल्ट शो कर रहे हैं। मैं भी वोल्ट मीटर की तरफ जाता हूं, प्रोटेक्टर 230 वोल्ट शुरू कर रहा है शो कर रहा है और वोल्ट मीटर शो कर रहा है 223 वोल्ट, ठीक है, 7 वोल्ट का फर्क है। अब ये फर्क को खत्म कैसे करना है हम लोगों ने, ये वो है। अच्छा, इसमें एक चीज है, अगर मैं आपको यूजर मैनुअल पे इसकी सेटिंग दिखाऊं, ये देखें इसे समझने की जरूरत है। अब यूजर मैनुअल पे है वोल्टेज कैलिब्रेशन जो कि परसेंटेज में करनी है हमने, ठीक है। अब प्रोटेक्टर पे 230 थे, वोल्ट मीटर पे 222-23 थे, 7 वोल्ट का फर्क है, तो ये हमने 7 वोल्ट कम नहीं करने, परसेंटेज लेके चलनी है कि 1% कम करे, 2% कम करे, 3% कम करे, ठीक है। ये उस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं दोबारा से। जैसे
वोल्टेज प्रोटेक्टर पे जो है वो क्या शो कर रहा है, वोल्टेज ये देखें 230 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब इसका 1% जो बनता है ना वो बनता है 2.3 वोल्ट, 2% जो है वो बनेगा 4.6 वोल्ट, 3% बनेगा 6.9 वोल्ट, यानी कि तकरीबन 7 वोल्ट, ठीक है जी। 3% जो बनेगा इसका, 3% बनेगा 6.9 वोल्ट या तकरीबन 7 वोल्ट। तो हमने अपनी सेटिंग जो है वो -3% पे करनी है, -3% पर करेंगे तो ये तकरीबन 7 वोल्ट यहाँ पे जो करेक्शन है वो कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे सेटिंग नंबर 13 पे जाते हैं हम, ये 13 पे गए हैं, ठीक है। अब इसमें हमने -3% पे -3 की वैल्यू करनी, यहाँ पे 223 है, हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर शो कर रहा था 230। अब हमने -3% करना है, यानी कि -3 की वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है इसके मुताबिक जो ये परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ, प्रोटेक्टर पे -3% हम करेंगे, परसेंटेज की वैल्यू तो नहीं कि -3 ही आएगा। सेटिंग नंबर 13 पे चलते हैं हम जनाब, और इसे सेट करते हैं माइनस हमने 3% कर दिया, ठीक है जी। अब -3% करने के बाद यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज जो है वो ठीक हो जाएंगे, ये देखें अब ये 224 वोल्ट हो गए हैं, यहाँ पे भी 224 वोल्ट हो गए हैं और ये यहाँ पे भी 223 वोल्ट शो कर रहा है। तो ये हमारे वोल्टेज का जो एरर था वो ठीक हो गया, ये सेटिंग नंबर 13 थी, ठीक है जी। इसमें परसेंटेज का जरूर ख्याल रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं सेटिंग नंबर, ये कंटिन्यूस आवर करंट प्रोटेक्शन। अब ये है कि कंटिन्यूसली आवर करंट की जो प्रोटेक्शन है उसका टाइम हम यहाँ पे सेट करेंगे, या सच इसमें खपने की जरूरत नहीं है। देन अगर एम्पियर का फर्क आ रहा है तो वो भी आप कैलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने करंट का उसका वोल्टेज का किया। लेकिन वोल्टेज में जो है, अगर आप लोगों के घर पे जो मीटर लगा हुआ है वो वोल्ट मीटर है और एम्पियर मीटर भी है, तो फिर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं सेम उसी तरह जिस तरह हमने वोल्टेज की कैलिब्रेशन किया, वोल्टेज की सेटिंग किया, जो एरर आ रहा था, जो फर्क आ रहा था, इसी तरह हम करंट की जो है वो सेटिंग भी करेंगे, एम्पियर की भी सेटिंग कर लेंगे। देन आखिर में आपने 5 सेकंड के लिए जो है वो सेट का बटन दबाई रखना है, तो हमारी जितनी सेटिंग होगी वो हमारी सेव हो जाएगी। तो ये एक कंप्लीट जो वीडियो थी, हमारा जो वोल्टेज प्रोटेक्टर था NZK का, वोल्टेज और एम्पियर प्रोटेक्टर, उसकी कंप्लीट की सेटिंग थी, जिसमें ग्रीन कलर वाली जो मैंने हाईलाइट की है ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें कर सकते हैं अगर बाकी आपको समझ नहीं आता, और ब्लैक वालों को छोड़ दें, वो फैक्ट्री की सेटिंग के मुताबिक ही रहने दें। तो होप सो आपको जो है वो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मजीद वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच जी।